Hello everyone, today we will be discussing about the PLC subject, that is the Programmable Logic Controller. And in this we will discuss about the real-time clock, that how the RTC works in case of the PLC. अगर हम लोग बात करें माइक्रो कंट्रोलर की या किसी भी और केस की या पीएलसी की, तो आरटीसी का मतलब जो है वो चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आरटीसी का मतलब है रियल टाइम क्लॉक, यानी कि रियलिटी में जो आपकी टाइम है, जो आपकी क्लॉक है, जिस तरह से वो वर्क करती है, अगर वो आपकी क्लॉक टाइम बता रही है, डेट बता रही है, मंथ बता रही है, ईयर बता रही है, तो वही सारा काम जो आपका पीएलसी है उसके अंदर भी जो आरटीसी है वो भी सेम काम जो है वो करती है. बस डिफरेंस क्या है कि उसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो हमारा फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, या जो हमने डिवाइस उसके अंदर यूज़ करना है पीएलसी की प्रोग्रामिंग के लिए, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़े से चेंजेस हैं, राइट. तो इसके अंदर आरटीसी में क्या है, इनेबल है, ईएन है, पीडीटी, सीडीटी और क्यू. तो ये चार चीज़ें जो हैं वो हम आरटीसी के अंदर यूज़ करते हैं. तो अगर हम बेसिक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो इंटरनल क्लॉक जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, वो इम्प्लीमेंट की होती है विद इन द पीएलसी कंट्रोलर के अंदर, जो है वो इम्प्लीमेंटेड है ऑलरेडी. तो द क्लॉक जो है इट मस्ट बी इनिशियलाइज्ड विद द स्टार्टिंग डेट एंड टाइम. तो उसको हम क्लॉक को किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, विद द स्टार्टिंग डेट एंड टाइम, एंड आफ्टर इनिशियलाइजेशन तो उसको हम साइक्लिकली अपडेट कर सकते हैं, एंड ईच टाइम द फंक्शन ब्लॉक इज कॉल. जितनी बार भी हम फंक्शन ब्लॉक को कॉल करते हैं आरटीसी के, उतनी टाइम हम लोग उसे साइक्लिकली अपडेट कर सकते हैं अपने टाइम को. तो जो कंट्रोलर सिस्टम क्लॉक है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द करंट टाइम एंड डेट. तो उसके अंदर जो पीएलसी कंट्रोलर है, उसके अंदर जो सिस्टम क्लॉक लगाई गई है, वो आरटीसी के ऊपर बेस्ड है, और वो उसे हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए टाइम को और डेट को. तो जो सिस्टम की क्लॉक है, उसका जो रेजोल्यूशन है, मतलब जो वो जितनी कितनी क्विकली वो अपने टाइम को उठाती है, दैट इज 1 मिलीसेकंड. तो 1 मिलीसेकंड का भी अगर डिफरेंस होता है, तो इट जस्ट चेंजेस विद इन 1 मिलीसेकंड. तो वो चेंज हो सकती है अगर हम उसमें चेंजेस करते हैं तो, राइट. तो जब जो फंक्शनल ब्लॉक है, उसको एवरी पीएलसी साइकिल में हमें कॉल करना पड़ता है, ताकि जो करंट और टाइम है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट किया जा सके. तो इसमें अगर हम एरर की बात करें, पोटेंशियल एरर की बात करें, तो आफ्टर 24 आवर्स जस्ट 1 मिनट का पोटेंशियल एरर कुड बी देयर, आ सकता है, मतलब देयर इज अ चांस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट डजंट कम, ठीक है. लेकिन टू अवॉइड, इन ऑर्डर टू अवॉइड द लार्ज एरर्स, तो अगर हम उसको अवॉइड करना चाहते हैं, तो जो आरटीसी है उसे साइक्लिकली सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, लाइक कोई फील्ड बस के साथ या रेडियो क्लॉक जैसे होती है, तो उसके साथ हमें एक बार उसको सिंक्रोनाइज करना होता है, ताकि हमारे पास ज़्यादा एरर्स जो है वो ना आए. एक आध मिनट का डिफरेंस जो है, दैट कुड बी देयर आफ्टर 24 आवर्स, मतलब इतना फ़र्क जो है वो उसमें हो सकता है. तो जो करंट डेट और टाइम है, वो यूजुअली डेट एंड टाइम डीटी फॉर्मेट के अंदर हमारे पास जो इस फंक्शनल ब्लॉक में अवेलेबल होते हैं, एंड एट मल्टीपल इंस्टेंसेज ऑफ आरटीसी फंक्शन ब्लॉक इट कैन बी क्रिएटेड विद इन 1 पीएलसी प्रोग्राम. एक ही पीएलसी प्रोग्राम के अंदर अगर हम आरटीसी फंक्शन ब्लॉक को कॉल करते हैं, तो उसके मल्टीपल इंस्टेंसेज जो हैं उसको हम लोग बना सकते हैं, उसको हम लोग कॉल कर सकते हैं, राइट. तो दिस इज कॉल्ड EN इज इक्वल्स टू बूल, मतलब उसको इनेबल करने के लिए, बूट करने के लिए, राइट. PDT का मतलब है उसका डेट एंड टाइम. तो इस तरह से हम उसमें इनपुट कर सकते हैं. तो अगर हम EN की बात करें, तो जो फंक्शनल ब्लॉक है हमारा RTC का, इट इज़ रीइनिशियलाइज्ड विद अ स्पेशल डेट एंड टाइम बाय राइजिंग एज एट दिस इनपुट. कि अगर वो इनेबल इनपुट जो है उस पर राइजिंग एज आ रहा है, मतलब फॉल्स टू ट्रू हो रही है वो इनेबल जो फंक्शन है उसका ब्लॉक में, तो उस टाइम पे क्या होता है, डेट और टाइम जो है, स्पेसिफाइड डेट और टाइम जो है वो री इनिशियलाइज रहते हैं, मतलब दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं. PDT क्या है हमारा, प्रीसेट डेट एंड टाइम है. तो प्रीसेट डेट एंड टाइम जो है वो क्या कर रहा है, द इनिशियलाइजेशन वैल्यूज फॉर द फंक्शन ब्लॉक्स डेट एंड टाइम. जो इनिशियलाइजेशन की वैल्यूज, मतलब प्रीसेट जो उनकी वैल्यूज हैं बेसिक, जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो कौन सी वैल्यूज जो उसकी वो रहेगी, वो PDT बता रहा है. तो जैसे ही rising edge आएगा at the enable input, it will cause the function block to adopt this value. तो जैसे ही आपका enable function
आरटीसी को एनेबल करेगा, तो वैसे ही जो प्रीसेट डेट एंड टाइम है वो उस बेसिक वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, मतलब जो भी प्रीसेट करी हुई है वैल्यू को, तो वो फंक्शनल ब्लॉक जो उसको कॉल कर रहा है इनेबल सिग्नल ऑन होते ही जो पीडीटी के अंदर वैल्यू है उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ये मेरी वैल्यू जो है वो आ चुकी है, राइट। तो अगर हम वो इन क्या होगी इनपुट्स दोनों एनेबल और पीडीटी, ये दोनों हुए इनपुट्स। तो अगर हम आउटपुट्स की बात करें तो आउटपुट्स में हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्यू और सीडीटी, ठीक है। जो क्यू है दैट इज द आउटपुट इज सेट, दिस आउटपुट जो है वो तब सेट होगी अगर वो फंक्शनल ब्लॉक जो है हैज़ बीन इनिशियलाइज एट लीस्ट वंस, अगर उसको हम एक बार एनेबल कर चुके हैं। इफ द आउटपुट इज सेट द वैल्यू ऑफ डेट एंड टाइम एट द पीडीटी आउटपुट आर वैलिड, तो अगर आपकी आउटपुट सेट है, अगर क्यू की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब कि जो प्रीसेट वैल्यूज़ हैं, प्रीसेट डेटा एंड टाइम की, जो डेट एंड टाइम की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको उसने वैलिड बोल दिया है, उनको उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो भी उसमें वैल्यूज़ थी वो ठीक है, उसको एक्सेप्ट कर लो। लेकिन सीडीटी जो है वो अपडेट होगा डिपेंडिंग अपॉन द करंट डेट एंड टाइम, राइट। तो करंट डेट एंड टाइम फ्रॉम द आरटीसी, तो वो सीडीटी बन जाता है। दिस आउटपुट इज अपडेटेड ओनली व्हेन द फंक्शनल ब्लॉक इज कॉल, तो जब जब उसको कॉल करेंगे वैसे वैसे जो सीडीटी है वो अपडेट होता रहेगा। तो जैसे हमने पहले बात करी कि जब हम कॉल कब करते हैं उसको, जितनी बार भी आपका पीएलसी प्रोग्राम चलता है तो आपका जो आरटीसी का ब्लॉक है वो विद इन 1 मिलीसेकंड उसको कॉल किया जाता है बार बार, ताकि वो जो डेट एंड टाइम है वो अपडेट ऑटोमेटिकली होता रहे। तो इस वजह से द इंस्टेंसेज ऑफ फंक्शनल ब्लॉक शुड बी कॉल्ड वंस इन ईच पीएलसी साइकिल, जितनी बार भी आपका पीएलसी वर्क करेगा एटलीस्ट उसको 1 टाइम बुलाना ही पड़ेगा, ताकि वो करंट डेट और टाइम को क्या कर सके, अपडेट कर सके, राइट। तो पीडीटी हो गया प्रीसेट, जो पहले से जो इनिशियलाइज टाइम, जैसे हमने अगर कभी घड़ियों को आप लोग देखो पुरानी, तो वो एक 10:10 हुए होते हैं जनरली, राइट। तो उस पर हमारी घड़ी जो है वो प्रीसेट टाइम होता है। देन आफ्टर जब हम उसे परचेज करते हैं उसमें सेल डालते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं उसकी सेल को सेटिंग कर देते हैं, उसकी क्लॉक को जो है सेट कर देते हैं अपने जो रियल टाइम है, जो करंट टाइम है, डेटा टाइम है उसके हिसाब से, राइट। तो सिमिलरली जो आपका पीएलसी का आरटीसी है वो भी इसी तरीके से वर्क कर रहा है। कह रहे अगर हम FBD में, मतलब अगर किसी फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम में अगर उसको कॉल करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, RTC1 को कॉल करेंगे, उसको इनिशियलाइज करेंगे, उसका डेटा वैलिड करेंगे, और उसके बाद RTC में डेटा एंड टाइम जो है उसका वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको वर्क करवा सकते हैं। जो सेकेंड आपका पॉइंट है जो अब हमने डिस्कस करा, इट वॉज ऑल अबाउट द RTC, इज द रियल टाइम क्लॉक। और जब हम सेकेंड की बात करते हैं तो दैट इज द वॉच डॉग टाइम। वॉच डॉग टाइमर जो है वो क्या हो रहा है, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड एज द कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रॉपरली, जब कंप्यूटर प्रॉपरली ऑपरेट कर रहा है तो उस टाइम पे हम वॉच डॉग जो है उसको कंसिडर करते हैं, राइट। तो वॉच डॉग टाइमर्स जो है वो बेसिकली क्या है, वो रिमोट और ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो होते हैं, फिर तो जैसे नाम से क्लियर हो रहा है एक टाइमर है एक तरीके का, जो एक रेगुलर वॉचिंग का काम कर रहा है। जैसे एक डॉग को हम लोग रखते हैं कि कोई भी गलत चीज़, जो कोई भी गलत पर्सन जो है वो हमारे घर में ना आ जाए, उसी तरह से ये जो वॉच डॉग टाइमर है वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर टाइमर का काम कर रहा है, जो कि डिटेक्ट करने के लिए और कंप्यूटर के जो माल फंक्शंस हैं उनको रिकवर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, कि अगर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहा है तो द कंप्यूटर जो है वो रेगुलरली रीसेट कर देता है वॉच डॉग टाइमर को, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इलैप्सिंग और टाइमिंग टाइम आउट ना हो जाए। और अगर ड्यू टू सम हार्डवेयर फॉल्ट या कोई प्रोग्राम एरर अगर कंप्यूटर फेल हो जाता है वॉच डॉग टाइमर को रीसेट करने के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली इलैप्स कर जाता है और एक टाइम आउट सिग्नल जो है उसको जनरेट कर देता है कि मेरा टाइम जो है वो आउट हो चुका है, राइट। तो टाइम आउट सिग्नल जो है वो बेसिकली हम यूज़ करते हैं करेक्टिव एक्शंस को इनिशिएट करने के लिए। तो करेक्टिव एक्शंस टिपिकली इंक्लूड प्लेसिंग द कंप्यूटर सिस्टम इन अ सेफ स्टेट एंड रीस्टोरिंग द नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन। अगर कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई सिस्टम कोई माल फंक्शन हो जाता है, अगर आपका कंप्यूटर जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, तो उस टाइम पे जो टाइम आउट सिग्नल जो वॉच डॉग टाइमर ने जनरेट किया है, वो टाइम आउट सिग्नल बेसिकली क्या करता है, एक तरीके से करेक्टिव एक्शंस लेने में हेल्प करता है, कि आपका जो
सर्किट है, आपका जो कंप्यूटर है, जो पीसी है, जो वर्क कर रहा है, जिसके अंदर आपने वर्ल्ड क्लॉक टाइमर लगाया है, राइट, तो करेक्टिव एक्शंस मिलते हैं, टिपिकली इंक्लूड द प्लेसिंग द कंप्यूटर सिस्टम इन अ सेफ स्टेट, ताकि आपको जो कंप्यूटर सिस्टम है वो किसी भी माल फंक्शन के, किसी भी एरर्स के कंडीशंस के अंदर भी एक सेफ स्टेट में रह सके और जो नॉर्मल सिस्टम ऑपरेशन है उसे रिस्टोर कर सके, राइट. तो अगर वॉचडॉग टाइमर्स की हम लोग बात करें तो वो बेसिकली क्या है, दे आर बेसिकली commonly found in embedded systems. Generally इनको हम embedded systems में use करते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज़ करते हैं, कंट्रोल्ड इक्विपमेंट में यूज़ करते हैं, जहाँ पे humans जो हैं they cannot easily assess the equipment, उसको easily assess नहीं कर सकते हैं, और या फिर अगर उसमें कोई faults आते हैं तो उनको timely वो find out नहीं कर पाते हैं. तो उस तरह के systems में जहाँ पे human जो है, human dependent upon the human है, और अगर वो reboot करते हैं और वो hang हो जाता है तो it must be self-reliant. तो उस तरह के cases के अंदर मतलब हम watchdog timer को use करते हैं, ताकि वो अपने आपकी जो problem है उनको खुद से realize कर सके और उसको खुद से सॉल्व कर सके. एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर रिमोट एम्बेडेड सिस्टम में जैसे स्पेस प्रोब्स हैं तो वो फिजिकली असेसिबल नहीं है ह्यूमन ऑपरेटर्स के लिए, क्योंकि स्पेस में जाना ना, हर एक पर्सन जो है वो स्पेस में नहीं जा सकता है. तो दिस कुड बिकम परमानेंटली डिसेबल्ड इफ दे वर अनएबल टू ऑटोनॉमसली रिकवर फ्रॉम फॉल्ट्स. तो अगर तो फॉल्ट्स को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि पर्सन वहाँ पे जा नहीं सकता, तो अगर उनको फॉल्ट्स को हम नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे तो वो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे जो भी हमने ऑपरेटर्स जो हैं वहाँ पे लगाए हैं, राइट. तो जो वॉचडॉग टाइमर है वो इस तरह के केसेस में हमारी हेल्प करता है कि अगर कोई अनट्रस्टेड कोड है वो रन कर दिया है ना सैंडबॉक्स टू लिमिट द सीपीयू टाइम अवेलेबल टू द कोड एंड दस प्रिवेंट सम टाइप्स ऑफ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स. जो अगर सर्विस कोई अटैक्स हो रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ रही हैं, तो उन सिचुएशंस को डिनाय करने के लिए, फिनिश आउट करने के लिए वॉचडॉग टाइमर्स जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं. इनको ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज़ करते हैं जहाँ पे हाई प्रायोरिटी ऑपरेशंस जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं टू कंप्लीट इन अ स्पेसिफिक टाइम इंटरवल. अगर हमें कोई भी इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, ऑपरेट करना है, जो कि जिनको कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में उनको फिनिश आउट करना चाहते हैं, तो उस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में वॉचडॉग टाइमर्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं. तो इफ़ द टाइमर एक्सपायर्स बिफोर द ऑपरेशन कम्प्लीशन, द ओएस रिस्पॉन्स टू द टाइमर इंटरप्ट बाय रिकॉर्डिंग एरर डेटा एंड टर्मिनेटिंग द ऑपरेशन. तो अगर बाय चांस आपका टाइमर जो है आपका ऑपरेशन फिनिश होने से पहले बंद हो जाता है या टाइमर टाइम अप हो जाता है, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स टू द टाइमर इंटरप्ट. तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टाइमर इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करता है, उसे बताता है बाय रिकॉर्डिंग एरर डेटा एंड टर्मिनेटिंग द ऑपरेशन. अपने ऑपरेशन को टर्मिनेट करने के लिए और एरर डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइमर को रिस्पॉन्ड करता है. तो इस तरह के जो सिस्टम होता है उसमें दोनों टाइप्स के वॉचडॉग टाइमर्स जो है वो होने चाहिए. सबसे पहला जो वॉचडॉग टाइमर है वो जो है वॉचडॉग रीस्टार्ट है. तो एक्ट ऑफ रीस्टार्टिंग का क्या मतलब है कि किकिंग द वॉचडॉग, एक तरीके से उसको किक करना है जैसे हमने. तो जनरली ये कब होता है, ये चीज़ कब होती है, जब राइटिंग टू अ वॉचडॉग कंट्रोल कोड. तो कंट्रोल कोड पर जब हम उसको वॉचडॉग में लिख रहे होते हैं, कुछ भी टाइप कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ये काम जो है वो रीस्टार्टिंग का काम जो है वो होता है. तो अगर हम अल्टरनेटली अगर हम माइक्रो कंट्रोलर्स की बात करें तो उसमें इंटीग्रेटेड वॉचडॉग टाइमर्स हैं. तो दे आर क्विक किक्ड बाय एग्जीक्यूटिंग अ स्पेशल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन और सेटिंग अ स्पेसिफिक बिट इन अ रजिस्टर. उसके साथ उसकी हेल्प से या मशीन लैंग्वेज की हेल्प से या पर्टिकुलर बिट को स्पेसिफिक बिट को सेट करके तो हम इसको वर्क करवा सकते हैं, क्लियर वॉचडॉग टाइमर्स को करवा सकते हैं. तो इस तरह की जो CLR WDD जो इंस्ट्रक्शन है वो हमें जनरली पिक माइक्रो कंट्रोलर्स जो होते हैं उसके अंदर मिलती है. तो PLCs में भी इसी तरह से आपका जो वॉचडॉग टाइमर्स हैं उनको हम वर्क करवाते हैं. डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में ये वर्क करता है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करता है, माइक्रो कंट्रोलर के साथ वर्क करता है. अगर हम सिंगल स्टेज वॉचडॉग टाइमर्स की बात करें तो जो वॉचडॉग टाइमर है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है. तो जैसे ही कंप्यूटर वर्क कर रहा है अगर उसको रीस्टार्ट की कमांड देता है तो वॉचडॉग टाइमर जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है. लेकिन अगर वॉचडॉग टाइमर का टाइम आउट हो जाता है, जितने टाइम के लिए उसने वर्क करना है, जब वो टाइम आउट हो जाता है तो वो क्या करता है, कंप्यूटर को
रीसेट कर देता है, दोनों ही क्लॉक सिग्नल के अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं, राइट। तो माइक्रो कंट्रोलर में तो जनरली ये इंटीग्रेटेड ऑन चिप होता है, अदरवाइज एक्सटेंशन कार्ड, जो एक्सटेंशन कार्ड एक्सटर्नली भी लगाया जा सकता है सीपीयू के अंदर। तो अगर हम मल्टी स्टेज की बात करते हैं तो उसमें मोर देन टू स्टेजेस जो हैं उसकी वो हो सकती हैं। तो उसमें क्या है कि जब टाइम आउट होता है तो वो कोई करेक्टिव एक्शन जो है किसी भी पर्टिकुलर स्टेज के लिए, अगर कोई कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रायोरिटी दी है, उसके लिए वॉचडॉग टाइमर लगाया है कि इतने टाइम के लिए और कोई भी ऑपरेशन इसे इंटरप्ट नहीं कर सकता, इतने टाइम पीरियड के लिए ये ऑपरेशन होना ही होना है। अगर वो बाय चांस टाइम आउट हो जाता है उसका ऑपरेशन फिनिश होने से पहले, तो वो करेक्टिव एक्शन के लिए फटाफट से ट्रिगर कर देता है कि उसको दोबारा से वहीं से स्टार्ट कर दो जहाँ पे वो फिनिश हुआ है, तो वो नेक्स्ट वॉचडॉग टाइमर इनेबल कर देता है। फिर भी अगर वो फिनिश नहीं होता तो नेक्स्ट वॉचडॉग टाइमर। तो इस तरह से अगर आपका सिंगल वॉचडॉग टाइमर जो है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सफिशिएंट टाइम पीरियड नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो हम मल्टी स्टेज ऑफ वॉचडॉग टाइमर्स जो है वो भी उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइम इंटरवल्स जो है वो भी हम इसमें लगा सकते हैं, फिक्स टाइम इंटरवल्स भी हो सकते हैं और प्रोग्रामेबल टाइम इंटरवल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस तरह से उसको सिलेक्ट किया है, राइट। तो करेक्टिव एक्शंस क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह के, कोई मास्केबल इनपुट्स होते हैं, कोई नॉन मास्केबल होती हैं, कोई फेल सेफ स्टेट होती है, कोई एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन है किसी चीज़ की, या पावर साइकिलिंग है, या इन सब का कॉम्बिनेशन है कोई। तो उस तरह से करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो लिए जा सकते हैं प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए, उनको सॉल्व करने के लिए, कि अगर कोई बिफोर टाइम आउट हो जाता है तो उसको इनेबल करने के लिए ये चीज़ें जो है वो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन आफ्टर इज द फॉल्ट डिटेक्शन भी हो सकती है इसके अंदर, कि अगर बाय चांस कोई कंप्यूटर सिस्टम जो है कोई नहीं वर्क कर रहा है, वन और मोर फॉल्ट जो है वो उसके अंदर आ चुके हैं, अगर ज़्यादा फॉल्ट्स अगर उसके अंदर आ चुके हैं तो उस कंप्यूटर्स में दैट आर रनिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टीपल प्रोसेसेस सिंगल सिंपल टेस्ट में भी इनसफिशिएंट टू गारंटी नॉर्मल ऑपरेशंस में नहीं हो पा रहा है, तो वॉचडॉग टाइमर जो है उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फॉल्ट कंडीशन, अगर वहाँ पर फॉल्ट कंडीशन अकर कर रही है तो उस केस के अंदर भी हम लोग जो है फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए जो है आपका वॉचडॉग टाइमर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। So this was all about the RTC and the watchdog timer. ये generally हम लोग जो watchdog timers हैं उन्हें microcontrollers में या हमारे computers के operating systems में या Linux operating systems में generally इसको call करते हैं, generally इसको वहाँ पर use करते हैं। तो मोस्टली ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए, सॉफ्टवेयर रीस्टार्ट अगर हो रहा है या विंडोज स्टार्ट नहीं हो रही है, या कोई कोई हार्डवेयर में कोई इश्यूज हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इस तरह से कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, कोई फाइल हैंडलिंग करने में, या मेमोरी सफिशिएंट नहीं है, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, या ओवरहीटिंग हो गई है सर्किट की, या कोई स्पेसिफिक सिस्टम का टेस्ट है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कोई नेटवर्क एक्टिविटी फंस गई है, तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं, बहुत सारे फॉल्ट्स जो हैं वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आ सकते हैं। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए, करेक्टिव एक्शंस देने के लिए, पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रोवाइड करने के लिए, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को प्रायोरिटी प्रोवाइड करने के लिए, तो उन सब चीज़ों के लिए वॉचडॉग टाइमर्स जो हैं उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। Right, so this was all about today's lecture. So I wish this is all clear to you. This was about the PLC subject, right? So if you are having any doubts, we will be taking them in the live session. So till then, take care. Bye-bye.